नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सियासत को क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। बाजी कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। सियासत में, बिहार की राजनीति में भी यही कुछ हो रहा है। सस्पेंस है, कयास हैं, अटकलें हैं और कई बार बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। सियासत के तमाम, बिहार की सियासत में जो मौजूदा वक्त में सवाल हैं, उन सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता संजीव सहाय जी हैं। उनसे कई सवालों पर बातचीत होगी। सर, सवाल की शुरुआत सबसे पहले यहीं से होगी कि विधानसभा चुनाव का वक्त करीब आ गया है और 15 साल बनाम 15 साल की बात होती है। जेडीयू 15 साल बनाम 15 साल को भुनाने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 15 सालों का मुख्यमंत्रित्व काल है वो बेहतर शासन काल रहा है और जो लालू राबड़ी का शासन काल रहा 15 सालों का, वो आतंक राज रहा है। तो जेडीयू इस मुद्दे के साथ संभवतः चुनाव में जाए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 15 साल बनाम 15 साल की जो बातें हो रही है, लालू जी पे तो मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस सरकार ने 15 साल तक राज किया, जनता दल यूनाइटेड ने, उनकी स्थिति आज खुद ध्वस्त है। लोग छोड़ रहे हैं, लोग जो है परेशान है, पार्टी के कार्यकर्ता नेता डिस्टर्ब्ड है और पूरी तरह से एक नेगेटिव माहौल अंदर पार्टी में फैला हुआ है। जिस पार्टी के मंत्री और नेता छोड़ रहे हो, वो 15 साल की बात वो दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जो पब्लिक पूरी तरह से जान रही है। आज पटना की गलियों में, रोड पे जाइए, लोग ध्वस्त हैं। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आज इनसिक्योरिटी है लोगों में कि कल क्या होगा, और कोविड का एक अलग जो है महामारी फैला हुआ है, पेंडेमिक है। इन सारी चीज़ों को देख कर नीतीश कुमार जी पूरी तरह से समझ गए हैं कि आने वाले चुनाव में उनका क्या होना है। जहाँ तक 15 साल लालू जी का सवाल है, लालू जी जब सरकार में आए, जितने भी उनके सहयोगी पार्टी थे, आज तक किसी ने उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठाया। विरोधी का काम है चीज़ों को दिखाना, उस समय भी दिखाते थे और आज भी दिखाते हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते हैं, आज उनकी ही गठबंधन के सहयोगी चिराग पासवान जी उन पर सवाल उठा रहे हैं कि 15 साल आपने किया क्या। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि किसी सत्ताधर पार्टी के लिए हो सकता है। ये सब कुछ अपने आप में बयां कर देता है कि 15 साल में सरकार ने क्या किया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने पर्सनल लेवल पर कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पुल और पुलिया बनाए हैं, और सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि वो एक मालदार जो है एक डिपार्टमेंट है उसमें काम लोगों को दिखता है और उसमें हर तरह का हिसाब किताब होता है, लेकिन जो बाकी चीज है जो गरीब लोगों के लिए करना है उसके लिए इन्होंने कभी नहीं देखा। एक खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से बदला लेने की पूरी प्लानिंग सेट कर चुके हैं। बदला इस मायने में कि आप जानते हैं आपकी पार्टी के 5 विधान पार्षद चले गए थे, जेडीयू में शामिल हो गए थे और उसके बाद आपकी पार्टी से नेताओं का जेडीयू में जाना लगा रहा। उसके बाद भी कई नेता कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल हुए और अब भी ऐसे कई नेता हैं। मुझे याद आ रहा है चंद्रिका राय का नाम, जिनको लेकर यह तय माना जा रहा है कि वो जेडीयू में शामिल होंगे। तो बड़ी सेनमारी जेडीयू ने आपकी पार्टी में की, लेकिन अब खबर है कि तेजस्वी यादव जेडीयू में बड़ी सेनमारी करने जा रहे हैं। एक तो खबर यह भी है कि आपकी पार्टी से जेडीयू 5 विधान पार्षद ले गई, आप एनडीए से एक सहयोगी ही उड़ा लाने वाले हैं। मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले चिराग पासवान की ही बात करेंगे। चिराग पासवान की एंट्री महागठबंधन में होने जा रही है। चिराग पासवान की दोस्ती तेजस्वी यादव के साथ होने जा रही है, ये लगभग तय माना जा रहा है। लगातार खबरें आ रही है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी को लेकर कुछ स्पष्ट सामने? तेजस्वी यादव ने भी कुछ क्लियर नहीं कहा है। क्या ये बिहार के सियासी भूचाल से पहले की खामोशी है? मैं ये समझता हूँ कि चिराग पासवान जी वही कह रहे हैं जो हमारे नेता प्रतिपक्ष नीतीश बाबू के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक एलाय है, उनके गठबंधन के साथी है, उनका ये कहना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है नीतीश जी के लिए। और जब वो इस बात को कह रहे हैं तो वो क्लियर रूप से ये मैसेज दे रहे हैं जनता में कि वो उनके साथ वो नहीं रहने वाले हैं। और नीतीश जी बेसिकली मेरी नज़र में एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्ट्रेटजिस्ट है। आज चिराग पासवान जी, हैड इट बीन दैट ही हैड 50 MLAs, ही वुड नेवर हैव बिहेव द वे ही इज बिहेविंग विद चिराग जी टुडे,
because he has only two MLAs. That is why he is trying to not to be bothered about what Chirag Paswan and his party is doing. But Chirag Paswan ji is चीज को पूरी तरह समझ गए हैं और आखिर वो वही कर रहे हैं जो opposition कर रही है, उसी लाइन पे चिराग पासवान जी को चलना पड़ा। यानी कि तेजस्वी यादव की लाइन पर है, तेजस्वी यादव की भाषा बोल रहे हैं, बिल्कुल साथ बिल्कुल। आएंगे कि नहीं, इस पर पार्टी का क्या? इस चीज पे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे पार्टी के लीडर लालू जी, रबड़ी जी और तेजस्वी जी डिसाइड करेंगे। अगर लाइन सही है तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ उन लोगों में बात होनी चाहिए और वो लोग डिसाइड करेंगे। और ये बड़ा ही एक रॉन्ग सिग्नल है जो आज के रूलिंग पार्टी के लिए जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में नीतीश जी का पलड़ा साफ हो जाएगा और वो मुख्यमंत्री कुर्सी से बहुत दूर चले जाएंगे। एक सवाल और है, सवाल अभी अभी खबर आ रही है कि जेडीयू के बिहार सरकार में जो मंत्री हैं और जेडीयू के कद्दावर नेता हैं श्याम रजक, उनकी पुराने घर में वापसी हो सकती है। वो कभी भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं, जेडीयू छोड़ सकते हैं और आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आरजेडी में उनकी ज्वाइनिंग होती है तो जाहिर है आप बड़ी सेनेमारी करने में कामयाब होंगे जेडीयू के अंदर। श्याम रजक को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो खबरें क्या हैं? क्या वाकई आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं श्याम रजक? बातचीत हुई है? मेरे संज्ञान में ये बात तो नहीं है, अभी तक मेरे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ, श्याम रजक एक मंझे हुए एक नेता है और काफ़ी दिनों से पॉलिटिक्स में है, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राजद में भी रहे हैं और जदयू में भी रहे हैं। अगर ऐसी बात सही है तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर डेफिनेटली हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इस पे ज़रूर कोई ना कोई बात आगे बढ़ाएंगे। और फाइनल स्टेज में अगर उन लोगों में बात सही बनी और उनको उचित लगा तेजस्वी जी को तो आने के लिए। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि आप ये खुद देखिए कि अभी चंद महीने बाकी हैं इलेक्शन के और उनके मंत्री तक छोड़ने को तैयार है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे नीतीश जी अपने सक्सेस की स्टोरी गा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैं आने वाले दिन में मैंने ये काम किया और करूंगा और मैं फिर सत्ता में आऊंगा। मुझे कहीं से नहीं दिखता कि नीतीश जी दोबारा अब सत्ता में कभी बैठने वाले। आरजेडी के किसी नेता से बात हो, आरजेडी के किसी प्रवक्ता से बात हो और उसमें जीतन राम मांझी की चर्चा न हो तो इंटरव्यू अधूरा रह जाता है, बातचीत अधूरी रह जाती है, बात बेमानी हो जाती है। जीतन राम मांझी पर लौटेंगे, हमारा आखिरी सवाल है ये। जीतन राम मांझी को लेकर ये खबर है कि चूंकि आपने उनकी डिमांड मानी नहीं, तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा कि मांझी जी को जहां जाना है चले जाएं, कोऑर्डिनेशन कमेटी अब तक नहीं बनी, हालांकि एक वक्त लगा कि कांग्रेस साथ खड़ी है और कांग्रेस ने कहा कि नहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बननी चाहिए, लेकिन हालांकि अब तक बन नहीं पाई है। ये खबर है कि 20 अगस्त तक जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और शायद जो कयास लगाए जा रहे हैं वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। तो आरोप लगता रहा है आरजेडी पर कि एक तो आप अपने सहयोगियों को भाव नहीं दे पा रहे हैं, सबको साथ नहीं रख पा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी आपको नसीहत मिली कि कांग्रेस के जो विधानमंडल दल के नेता हैं सदानंद सिंह, उन्होंने कहा कि जो गठबंधन की बड़ी पार्टी होती है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो सभी सहयोगियों को साथ रखे। लेकिन खबर यह है कि न तो आप कांग्रेस को भाव दे रहे हैं, न जीतन राम मांझी को भाव दे रहे हैं, न आरएलएसपी को और न वीआईपी पार्टी को भाव दे रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज के स्थिति में हमारे जो नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, आप सुबह से देखते होंगे कि वो कंटिन्यूस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके दिन भर वो जनता के हित में लगे होते हैं। चाहे वो बाढ़ का, अभी भी वो छपरा में है, ऑन वे गए हैं, सारे जगह रुकते परसा और सारी जगह रुकते हुए लोगों से मिलते हुए गए हैं। अभी वो इस बात को कहीं भी इस दिमाग में नहीं ला रहे हैं और ना इसके वो खिलाफ हैं। सवाल जीतन राम मांझी जी का आपने पूछा तो वही अपने माइंड में क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है। जनता भी देख रही है, हर पार्टी भी देख रही है कि कभी वो यहाँ है कभी वो वहाँ है। तो इस बात को जब तक क्लैरिटी के साथ वो बैठ करके और पार्टियों से नहीं बात करेंगे तब तक इसका क्लियर कहीं से भी नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है कि कांग्रेस के सवाल में ये डिसीजन हो जाए कि कौन एक आदमी है जो इस चीज़ को डिसाइड करेगा, पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी माननीय राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को फाइनल करके सब चीज़ किया था,
तो वहां पे अगर एक पार्टी ऑथराइज हो जाए और वो 10 जनपद से ऑथराइज हो जाए या 10 जनपद से ही वहां के नेता इस चीज को डिसाइड करे, तो मैं नहीं समझता हूं कि तेजस्वी यादव जी कभी भी इस चीज के लिए ना कह रहे हैं और कभी पीछे हटे। तो जीतन राम मांझी कंफ्यूज हैं और 10 जनपद की बात कांग्रेस के मामले में मानेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता संजीव सहाय जी। बिहार की सियासत में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है, महागठबंधन में और एनडीए में जो कुछ भी चल रहा है, उससे कई दिलचस्प सवाल बिहार की सियासी गलियारों में टहल रहे हैं। हमने संजीव सहाय जी से उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। यह इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगे, संजीव सहाय जी की बात अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।